डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल लिया था क्रोमेटिक नोट बजाने के लिए, तो उस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि मैंने जो जी नोट है तो उसको क्यों चुना। तो एक तो वो चीज़ मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा, और एक मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के मन में जो स्लाइडर का भय है, डर है, तो वो इतनी जल्दी नहीं जाता। तो अभी भी मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि हमें स्लाइडर में प्रॉब्लम हो रही है, स्लाइडर वाले सॉन्ग्स में प्रॉब्लम हो रही है, जो स्लाइडर वाले सॉन्ग्स हैं तो वो बजाने से हमें डर लगता है। तो मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको बताई भी थी पहले भी, और आप खुद से भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज बना भी सकते हैं। तो एक ऐसी ही सिंपल सी एक्सरसाइज मैं आज आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। और उस एक्सरसाइज को मेरा मानना है कि अगर आप धीरे धीरे स्लो स्पीड से स्टार्ट करते हुए फास्ट स्पीड तक लेके जाएं, तो आपका स्लाइडर का जो भय है वो काफी हद तक दूर हो जाएगा, और आपकी फ्लुएंसी जो है स्लाइडर को प्ले करने में तो वो बढ़ जाएगी। और एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, तो वो कोऑर्डिनेशन जो है उसके लिए वो एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं लास्ट टाइम मैंने जी नोट जो लिया था, तो पहले मैं उसकी एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने जी नोट क्यों यूज किया। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं बिल्कुल पहले नोट से, सी नोट से। तो सी नोट जो है, मान के चलिए हम फिफ्थ होल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिफ्थ होल में ब्लो जो है वो सी होगा, और ब्लो करते हुए अगर आप स्लाइडर प्रेस कर देंगे तो वो सी शार्प बन जाएगा। इसी तरह से जब आप ड्रॉ करेंगे उसी होल पे तो वो होगा डी, और ड्रॉ करते हुए अगर स्लाइडर प्रेस करेंगे तो वो बन जाएगा डी शार्प। तो फिफ्थ होल में आपको सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, चार नोट्स जो हैं अलग अलग मिलेंगे। अब अगर मैं एक होल आगे बढ़ जाऊं, यानी कि सिक्स्थ होल में, तो सिक्स्थ होल में ब्लो जो है वो है ई, और ब्लो करते हुए स्लाइडर प्रेस करेंगे तो वो है ई शार्प। इसी तरह से ड्रॉ करेंगे तो वो होगा एफ, और ड्रॉ करते हुए स्लाइडर प्रेस करेंगे तो वो होगा एफ शार्प। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी कोई दिक्कत वाली बात है, तो इसमें एक जो एक्सेप्शन है वो ये है कि जो ई शार्प मैंने बोला, दैट इज इक्विवेलेंट टू एफ। ई शार्प और एफ जो है वो सेम नोट है। तो बेसिकली आपको सिक्स्थ होल में तीन नोट्स मिलेंगे, वो होंगे ई, एफ और एफ शार्प। तो अगर जो मैं आज आपको एक्सरसाइज बताऊंगा वो बजा के भी दिखाऊंगा इस होल के ऊपर, तो वो आपको उतनी अच्छी शायद साउंड ना करे, क्योंकि दो मूवमेंट्स के लिए आपको एफ नोट ही मिलेगा। तो मतलब ब्लो विद स्लाइडर प्रेस और ड्रॉ, तो उन दोनों में आपको एफ नोट ही मिलने वाला है। उसके बाद जी नोट की अगर मैं बात करूं, सेवंथ होल पे चला जाऊं जो मैंने लास्ट टाइम लिया था, तो वहां पे जी, जी शार्प मतलब ब्लो, ब्लो विद स्लाइडर प्लस प्रेस, और जी के बाद कौन सा नोट आता है, ए, ए एंड ए शार्प विद ड्रॉ एंड ड्रॉ विद स्लाइडर प्रेस। तो वो आपको चार अलग अलग नोट मिलेंगे। और इसी प्रकार से जब हम मूव करेंगे एट्थ होल की तरफ, तो वहां पे आपको मिलेगा सी नोट आपको मिलेगा ब्लो में, और वहां पे भी यही दिक्कत आ जाएगी। ड्रॉ में आपको बी नोट मिलेगा, और ड्रॉ में जैसे ही आप स्लाइडर प्रेस करेंगे तो वो बी शार्प यानी कि सी नोट मिलेगा। तो इसी प्रकार एट्थ होल में भी आपको बेसिकली तीन नोट्स मिलेंगे। तो जो मैं एक्सरसाइज लास्ट टाइम प्ले कर रहा था, या जो आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं, तो उसको आप या तो सी वाले होल में कर सकते हैं उसको ट्राई, यानी कि फिफ्थ होल में, या फिर आप उसको जी वाले होल में, सेवंथ में। तो सिक्स्थ और एट्थ होल में ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव तो रहेगी, मतलब आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि एक ही नोट आपको दो बार मिलने वाला है। तो अभी प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपने, अगर मैं फिफ्थ होल की बात करूं, चलिए फिफ्थ होल की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें आपने चार नोट्स जो हैं एक ही होल पे वो प्ले करने हैं स्लो स्पीड के ऊपर। इससे आपकी जो कोऑर्डिनेशन है, दो तरह की कोऑर्डिनेशन आपकी जो है वो इम्प्रूव होगी, एक तो ड्रॉ और ब्लो, और साथ में स्लाइडर प्रेस। तो बहुत से क्या मतलब सभी सॉन्ग्स में ऐसे ही होता है जहां पे स्लाइडर प्रेस करना होता है, तो वहां पे आपको जो आपकी सांस की और स्लाइडर की कोऑर्डिनेशन है, कई बार हम ब्लो कर रहे होते हैं और जैसा मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, एक नोट पीछे जाके आपको ड्रॉ करके स्लाइडर प्रेस करना होता है। तो ये तीन चीजों की कोऑर्डिनेशन आपको एक साथ करनी पड़ेगी, सो दैट
कि कोई दूसरा साथ वाला नोट जो है वो ना लगे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। अब आप किसी नोट पे ब्लो कर रहे थे, जैसे मैंने जी का एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम, जी से आपने एफ शार्प पे जाना है, तो जी एक ब्लो नोट है, ब्लो करते करते अभी आपने एफ शार्प पे जाना है। तो एफ शार्प पे जाने के लिए एक तो आपको एक होल पीछे जाना पड़ेगा, सांस को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब पहले आप ब्लो कर रहे थे ड्रॉ करना पड़ेगा, साथ के साथ स्लाइडर प्रेस करना पड़ेगा। तो यही एक चीज है जहां पे मैक्सिमम लोगों को डर लगता है जब ये वाले नोट आते हैं तो वो इफेक्टिवली प्ले नहीं कर पाते। तो खैर अभी जो मैं आपको आज एक्सरसाइज बता रहा हूं आप उसको बिल्कुल मतलब पेशेंस के साथ आप उसको ट्राई कीजिए, स्लो स्पीड पे ट्राई कीजिए, जब बिल्कुल अच्छे से बज जाए धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी आप खुद महसूस करेंगे, जिन लोगों को डर लगता है स्लाइडर यूज करने से, कि आपका स्लाइडर का यूज जो है वो इफेक्टिव हो गया। तो अभी मैं करने क्या जा रहा हूं, फिफ्थ होल सी नोट पे पहले मैं सिंपली ब्लो करूंगा, सी नोट आएगा, ब्लो करते हुए स्लाइडर प्रेस करूंगा, सी शार्प आएगा, उसके बाद स्लाइडर को छोड़ के साथ ड्रॉ करूंगा। ये कोऑर्डिनेशन भी अब आप देख लीजिए, सांस एक तो रिवर्स किया, एक आपने स्लाइडर छोड़ दिया, तो वो फिर आपका डी नोट आ जाएगा, और फिर ड्रॉ करते हुए दोबारा से स्लाइडर प्रेस करूंगा, डी शार्प आ जाएगा, फिर स्लाइडर छोड़ूंगा, डी आ जाएगा, फिर ब्लो के साथ स्लाइडर प्रेस करूंगा, सी शार्प आ जाएगा, और फिर उसको छोड़ के ब्लो करते हुए छोड़ दूंगा तो सी आ जाएगा। तो सी सी शार्प डी डी शार्प डी सी शार्प सी सी शार्प डी शार्प डी सी शार्प सी। तो ये सीक्वेंस आपने कॉन्टिन्यूसली प्ले करनी है, स्लो स्पीड से स्पीड को बढ़ाते जाना है। तो एक बार बजा के दिखाता हूं, इसको आपने बढ़ाना है स्पीड को। अभी इसी चीज को अगर मैं सिक्स्थ होल पे लेके जाऊं, यही सीक्वेंस अगर मैं सिक्स्थ होल में प्ले करूं तो क्या होगा, अभी पहले फिफ्थ होल पे, तो ये एक पॉइंट है जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये बेसिकली एफ नोट या ई शार्प है, तो इसीलिए ये जो एक्सरसाइज है इसको आप सी वाले होल में या फिर जी वाले होल में, जी वाला मतलब जो सेवंथ होल है, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपने होल की पोजीशन को चेंज नहीं करना। ये एक बेसिक एक्सरसाइज है, सिर्फ एक ही होल पे जो चार रीड्स हैं उन चारों को आपने सीक्वेंस में बजाना है, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर बैकवर्ड में, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो वो सीक्वेंस जो है जब आप कंटिन्यूसली उसको प्ले करेंगे तो आपकी जो कोऑर्डिनेशन है, योर हैंड टू ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन जो है, हाथ की कोऑर्डिनेशन जो है आपकी सांस के साथ चाहिए, क्योंकि स्लाइडर प्रेस करते हुए सांस भी आपने रिवर्सल करना है, तो वो चीज एक इंपॉर्टेंट होती है। तो वो आपकी इस टेक्निक के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि वो चीज जो है इंप्रूव हो और सुधर जाए। और ऐसी ही बेसिक एक्सरसाइजेस लेके तो मैं अपने अगले वीडियोज में फिर आपके रूबरू होऊंगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान रखिए, पहले आपने स्लो स्पीड पे बजाना है, जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है, मैक्सिमम जितनी स्पीड तक आप जा सकते हैं कंफर्टेबली तो वो स्पीड आपने अटेन करनी है। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही एक्सरसाइजेस के साथ। तो तब तक के लिए टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय फॉर नाउ।